सभी मित्रों को नमस्कार। हम यहाँ जैव विविधता से संबंधित कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ पॉइंट हैं, उनको याद रखना है और उन्हीं पॉइंट्स में से आपको प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो देखें, पूरा पढ़ते रहें इसको। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है और याद रखना है। आपको याद रखना है, पढ़ते जाना है। जैसे प्रति इकाई जैविक पदार्थों के वजन को बायोमास कहते हैं, तो आपको ऑप्शन में आ सकता है प्रति इकाई जैविक पदार्थों के वजन को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में बायोमास होगा और अन्य तीन गलत ऑप्शन होंगे, तो उसमें से बायोमास चुनना है। इसी तरह ये परिभाषा के रूप में पूछ सकते हैं कि बायोमास कहते हैं, तो उसमें चार ऑप्शन होंगे। इसमें एक ऑप्शन होगा प्रति इकाई जैविक पदार्थों के वजन को और तीन रॉन्ग आंसर होंगे, तो उसमें से आपको इसको चुनना है। तो इस तरह आप प्रश्न बना सकते हैं। पढ़िए पॉइंट को। जिम कार्बेट पार्क से राम गंगा नदी बहती है, तो ऑप्शन बन सकता है कि जिम कार्बेट पार्क से कौन सी नदी बहती है ना। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो इस तरह के आपको ये प्रश्न याद करना है। ये पॉइंट पढ़िए और याद रखिए।
इनके आंसर दिए जा रहे हैं, ये भी पढ़ना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 मई को। तो ये सारे पढ़ते रहिए आप। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की क्या थीम थी? हमारे समाधान प्रकृति में। वाकई में हमारे जितने भी सॉल्यूशन हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, सबके सॉल्यूशंस इस प्रकृति में छुपे हुए हैं। अभी कोरोना वायरस को ले लीजिए, कोरोना वायरस का समाधान ही प्रकृति से ही प्राप्त होगा, और अभी जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं वो सुरक्षित हैं। वाले प्रश्न दिए गए हैं, जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को क्यों मनाया जाता है ना, तो इन टिप्पणियों को भी याद रखना, और इन टिप्पणियों में से भी प्रश्न बन सकते हैं और उन्हीं में उनके आंसर हैं। वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर ही पढ़ सकते हैं, तो आराम से पढ़ें इनको और याद रखें। सभी प्रोटोकॉल जैव विविधता संबंधित हैं, और आपको यदि इसका गहन अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। इनको पढ़ें, इन तारीखों को याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
बहुत ही शानदार जी के हैं, आप इनको पढ़ें। देखिए, भारत में विभिन्न वर्गों की वनस्पतियों की 46,340 प्रजातियां खोजी गई हैं, और ये सारी जानकारी कितनी शानदार है। देखिए,